हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें आप सीजीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस आप एमसीक्यू के माध्यम से कवर करते हैं। रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरीज में प्रायः एक से लेकर दो क्वेश्चन आपको पूछते हैं। अब ये जो सीरीज होता है आपके दो तरीके से आपके पास होते हैं। पहला जो सीरीज होता है वो आपके पास होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, जहां से हम ए से लेकर जेड तक उसको लेके चलते हैं। उसमें से हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाएंगे, एक वाला हुआ। दूसरा, इसके बाद यहां पर क्या होता है कि अल्फाबेट जो ए बी सी डी बी है ना, ए से लेकर जेड तक हुआ, उनमें क्या होता है एक प्रॉपर सीक्वेंस चलता है। हमको सीक्वेंस को गैप को पकड़ना पड़ता है, एक वो वाला हुआ। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वाला हुआ वो आपका हुआ नंबर सीरीज। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारे पास सीरीज को और आते हैं पहले क्वेश्चन पे। यह है आपका पहला क्वेश्चन। तो जब ये सीरीज दिया हो, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक अल्फाबेट से दूसरा अल्फाबेट से आपको रिलेशन बनाना है, जैसे पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। तो यहां हम देखते हैं ए से लेकर जी देखते हैं, जी से इसका पहला लेटर देखेंगे और उसी सेम वाइज में यहां पर क्या देखेंगे, ए के बाद जी देखें, जी के बाद यहां पर एक अल्फाबेट आएगा, फिर वहां से क्या देखेंगे एस। तो ए से जी को देखते हैं, बीच में पांच अल्फाबेट का गैप हो रहा है। जी के बाद हम एक दो तीन चार पांच अल्फाबेट का गैप ले तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। तो एम वाला एक ही ऑप्शन है, तो वो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक, और आगे सीरीज को देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं पी को, जैसे पी को देखे तो यहां पर जैसे पी में पांच अल्फाबेट का गैप है, तो यहां पर भी अगर पांच अल्फाबेट का गैप देखे तो वैन, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपके पास बन जाएगा और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, क्लियर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेम उसी को। अभी बहुत इजी है, ए बी, ए बी के बाद क्या मिस हो रहा है, सी, दो अल्फाबेट है, दो अल्फाबेट है, फिर सी मिस हुआ, ए बी के बाद यहां पर क्या हुआ, सी मिस हुआ, फिर डी एफ के बाद यहां पर क्या हुआ, जी मिस हुआ और एच आई जे के बाद एल होगा, और इसके बाद पहले यहां पे दो था, फिर तीन था, फिर चार था, तो अगली बार क्या हो जाएगा, ये पांच हो जाएगा, एम एन ओ पी क्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। जो आपके पास वैरायटी लेके आए, जो क्वेश्चन आए ना, उस क्वेश्चन को दीजिएगा और मेन बात तरीका देखिएगा सॉल्व करने का, क्योंकि आपको वहां पर सेम यही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको अलग मिलेगा, तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है और किस किस तरीके से आपका बनता है वो आपको देखना है। ठीक, चलिए अगला। अब इसमें हम क्या करें, अल्फाबेट का अपन बहुत बार क्या होता है, खोजने चले जाते हैं, तो कभी कभी लॉजिकल का भी यूज कर लेता है। देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो यहां पर ऑप्शन इसमें नहीं है आपका, वो एक्चुअली ये होना चाहिए आपके पास, ये जो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इसमें यहां पर ये यहां पर एस कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास आंसर होगा, क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। ये भी ऐसा बहुत बार हमको यहां पर करता है कि कहीं पर आपको क्या करेगा, आपको लॉजिक आपको यूज करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहां पर जो आपके वीक के डेज होते हैं संडे से लेकर मंडे तक, उसके पहले पहले अल्फाबेट लिया हुआ है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का एस होगा हमारा आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, आपको पहला दिया परपेंडिकुलर, ठीक है, ध्यान देखिए यहां पर क्या कर रहा है, पहले और लास्ट को हटा दे रहा है, फिर अगली बार क्या कर रहा है, फिर पहले और लास्ट को हटा दे रहा है, तो अगली बार क्या करेंगे, फिर पहले को और लास्ट को हटा देंगे, तो बचेगा क्या, पेंडिकू बचेगा, पेंडिकू बचेगा, तो ये हमारा आंसर, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, ये आपका सीरीज अभी के पैटर्न में आपके व्यापम में और पीएससी में एक हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। पहले आपको एसएससी के
सीजीएल और एमटीएस आपको उसमें पूछता था, अब उसको आपको इसमें डाल दिया गया है। तो जब ये वाला सीक्वेंस होगा ना, इसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस चलता है, एक प्रॉपर ब्लॉक के बाद रिपीटेंस चालू होता है। एक आपका प्रॉपर ब्लॉक होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, रिपीटेंस चालू होगा। तो आपको उस ब्लॉक को समझना है कि वो कौन सा ब्लॉक है जिसका अपन रिपीटेंस में सीरीज चल रहा है। तो उसको पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा आपके पास, उसके लिए आप सबसे पहला क्या करेंगे, इसमें आपका जो अल्फाबेट का जो समूह दिया है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा अल्फाबेट का समूह कहां पर है। तो इसमें जो सबसे बड़ा समूह है ना, वो यहां पर है। यहां पर हम जब देख रहे हैं तो ये चीज समझ में आ रहा है कि डबल सी के बाद यहां पर क्या दिया, डबल बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डबल सी के बाद डबल बी दिया हुआ है। तो यहां पर डबल सी के बाद यहां पर क्या देगा, डबल बी देगा, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, डबल सी के बाद डबल बी, डबल सी के बाद डबल बी, डबल सी के बाद डबल बी। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, बी आ गया, सी आ गया, सी आ गया, बी आ गया, बी आ गया और बी आ गया। तो ये हमारा आंसर होगा बी डबल सी और ट्रिपल बी। तो ये हमारा आंसर, ध्यान से देखिएगा। आजकल ये वाला पैटर्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास हो चुका है। चलिए इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं अल्फाबेट का जो सबसे बड़ा समूह बना है वो किसका बना है, सी ए बी का। मतलब सी के बाद, सी के पहले ए आएगा और ए के बाद बी आएगा। तो उसको चला के देखते हैं, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी बिल्कुल आ रहा है, सी ए बी, सी ए बी। तो क्या आया, सी बी ए, ए ए सी, मतलब सी बी डब ट्रिपल ए सी। तो ये हमारा, बस आपको यही करना है, आपको सबसे बड़ा समूह पकड़ना है और उस बड़े समूह में क्या सीरीज चल रहा है आपको उसको फिट करते हुए आपको चलना है। कुछ जगह आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको, ठीक। अब जैसे ये समूह देखते हैं, इसको ट्राई करिए आप। देखिए दो जगह दिख रहा है, एक आपके पास तीन जगह दिख रहा है, ठीक है। चलिए तीन जगह अपन लोग क्या ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं, सपोज डबल के, ए के पहले डबल के आ रहा है, ए के पहले डबल के आ रहा है, ए के पहले डबल के आ गया, ठीक। अब डबल के से पहले यहां पर क्या आ रहा है, डबल के आ गया, डबल के से पहले यहां पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो डबल के से पहले यहां पर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। और बी से पहले यहां पर क्या आ रहा है, डबल टी आ रहा है, बी से पहले क्या आ रहा है, डबल टी आ रहा है, बी से पहले डबल टी यू हो गया, ठीक है। और इसका मतलब डबल टी के बाद यहां पर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। और ए के बाद क्या रहा, डबल टी आ रहा है। तो सीरीज क्या बन रहा है, बी डबल टी, बी डबल के, ए डबल टी, ए, ठीक। तो यहां पे क्या बना, सीक्वेंस बन गया अपने पास, डबल के ए डबल टी, ठीक, डबल के ए डबल टी बी, मतलब डबल के ए डबल टी बी का ये सीरीज बना है, ठीक है ना। हाँ, ये हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास सीरीज बना है, किसका बना है, सॉरी नहीं नहीं अच्छा डबल टी, डबल के से पहले डबल के ए डबल टी, सॉरी ये बना सीरीज डबल टी, ठीक है। ये हमारे पास बना है, ये हमारे पास सीक्वेंस बना है। तो यहां पर क्या, अपने पास बी से कोई आया क्या, बी से आपके पास नहीं आया है, ठीक। अच्छा ए, सॉरी यहां पर क्या आएगा, पहले मैं आपको यहां पर ए आएगा, उसके हिसाब से यहां पर आपके पास ए आना चाहिए, ठीक, तभी तो बनेगा, ठीक है ना। क्या बन रहा अपने पास, डबल के ए डबल टी बी, ए के बाद डबल टी, बिल्कुल सही है, ए के बाद डबल टी, उसके बाद बी, उसके बाद डबल के, सीरीज हमारे पास। तो अपने पास यहां पर क्या है, ए आया, के आया, टी आया, बी आया और टी आया, ए के टी बी टी। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है। अगला, ए के पहले ए बी, ए बी बी सी, अच्छा ए के बाद बी,
तो बना ए के बाद बी, ए के बाद यहां पर सी, डी से पहले ए, डी से पहले ए, तो डी से पहले ए लेंगे तो ए बी ए डी बी सी ए डी ये बनेगा। अच्छा ए बी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर चालू किससे किया है, फिर बी से। अच्छा ए बी सी डी पहले ए से चालू किया, ए बी सी डी, फिर बी से चालू करेगा तो क्या हो जाएगा, बी सी डी ए, बी सी डी ए, ठीक। अब ए से चालू किया था, बी से चालू किया था, अब अगर सी से चालू करेगा तो सी डी ए बी, बी सी डी, सी डी ए बी, सी डी ए बी में चालू करेगा तो फिर किससे, अपने को सी से चालू किया था, किस चालू करेगा, डी से चालू करेगा, डी, ठीक है ना, तो किस चालू करेगा, ठीक है। तो पहले यहां पर क्या आ गया, सी सबसे पहले आया है, उसके बाद यहां पर क्या है, डी आया है, सी और डी वाला ऑप्शन कौन सा है, अच्छा एक ही ऑप्शन है सी ए, उसके बाद फिर यहां पर सी, सी के बाद डी, डी के बाद ए, ए के बाद बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी सब ना आया यहां पर, ठीक। यहां चालू हो गया अपने पास, तो ए बी सी डी हुआ, फिर बी सी ए डी हुआ, फिर सी डी ए बी हुआ, फिर चालू किससे होगा, डी ए बी सी से होगा, फिर क्या होगा, डी ए बी सी से होगा, ठीक है ना, ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी, और यहां पर डी ए बी सी से अपना सीक्वेंस चल रहा है, तो लास्ट में यहां पर क्या हो जाएगा, अपने पास बी हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन अपने पास एक ही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इजी है, बना के देखिए, बहुत इजी वाला है ये, बी से जी, बी से जी, जी से एल, एल से क्यू, बी से जी, पांच, जी के बाद एक दो तीन चार पांच, सॉरी सॉरी सॉरी, बी से जी, एक दो तीन चार, जी से एल, जी से एल चार, एल से चार, क्यू, क्यू से चार, तो वी, वी वाला कौन सा होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है ना, दोनों में यू यू कॉमन है, तो यू अपन मिला के, मतलब बीच और टर्म अपन नहीं मिलाते, तो डायरेक्टली लास्ट और टर्म जाते हैं, जैसे यू, जैसे यू चार पीछे, यू से चार पीछे, पी यहां से चार पीछे, ठीक है ना, ऐसा ही है, चार पीछे, जड़ से देखें, जड़ से यू, यू से, यू से, अच्छा यू से, यू से पी, पी से के, तो के से चार पीछे, तो एफ, तो ये हमारा, ठीक। एक बार सीक्वेंस सामने वाले के दोनों को अपने के पास, सामने वाला क्या चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, और लास्ट वाला आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, नो इसको बना के देखिए, एक्स से टी तीन का, टी से तीन लेते हैं, पी, पी से तीन लिए तो एल, पी से शुरुआत कौन सा हो रहा है, एक, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है भाई, हाँ चलो, सी से जी तीन, जी से अपन तीन लिए तो के, पी के वाला ऑप्शन कौन सा है, पी और के वाला एक ही ऑप्शन है, आंख बंद करके आप इसको मिला देंगे। Now the next one. हाँ, ट्रिपल सी, डबल सी, डबल सी, ट्रिपल सी, मतलब ट्रिपल सी तो आ रहा है, चलो तो ट्रिपल सी अगर यहां पे चार सी हो गया, अच्छा ए ले लेते हैं, चार सी के बाद ए,
चार सी के बाद ए, चार सी के बाद ए, हाँ ये सीक्वेंस बन रहा है, ए के बाद ए, ए चार बार सी, ए चार बार सी, ये ऐसी बन रहा है। तो पहले में ए आया, फिर सी आया, फिर ए आया, फिर सी आया, फिर ए आया, फिर सी आया, ए सी ए सी ए सी, एक ही ऑप्शन है ये अपना, देख लीजिए ये सी है ना, कंफ्यूजन में सीरीज़ वन वन टर्म मिसिंग, एक्स ए डब्ल्यू, एक्स ए डब्ल्यू, डब्ल्यू से बी तो बी से यू, यू से एक ही स्टार्ट हो रहा है, आपको बाकी देखने का आपको जरूरत ही नहीं है आपके पास। अगर सपोज ऐसे दो ऑप्शन देखते हैं तो आप बाकी लोग से मिलाते हुए चलेंगे। सी से एच, चार के बाद एच से एम, एम से आर, आर वाले एक ही ऑप्शन है, टी एफ। ए बी सी डी, अच्छा डी में सब है, अच्छा बी के बाद ई, ई के बाद एच, एच के बाद के, डी के, अच्छा दो ऑप्शन है भाई। अब लास्ट सी के बाद एच, सी के बाद एच है ना, डी के वाले के पास हम समझ गए, डी के, सी के बाद एच मतलब चार के बाद, एच के बाद चार के बाद एम, ठीक है भाई एम में चार के बाद आर, डी के आर, ऐसा एक ही ऑप्शन। नाउ द नंबर सीरीज, ये नंबर सीरीज आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल लगता है आपके पास, ठीक है। अब नंबर सीरीज चालू करने से पहले क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ कॉमन चीजें आपको याद होनी चाहिए, वो आपको याद क्या क्या होना चाहिए आपके पास, एक तो आपके पास नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, होल नंबर वो तो कॉमन सा चीज है, ठीक। आपको याद कुछ होना चाहिए, प्राइम नंबर, ठीक है, उसके बाद आपके पास प्राइम नंबर के बाद मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब जो आप टेबल पढ़ते नंबरों के, है ना, एक से लेकर बीस तक के आप जितने टेबल होंगे उसको याद कर लेंगे तो आपको हर जगह आपको काम आएगा। उसके बाद आपको स्क्वायर्स और आपको क्यूब्स, ठीक है, ये वाला होगा। कभी कभार आपको क्या करेगा, अल्टरनेट सीरीज देगा, और कभी कभार आपको सेडियानो सीरीज देगा, ठीक है। कभी कभार आपको क्या देगा, अल्टरनेट सीरीज देगा, और कभी कभार क्या देगा आपको, सेडियानो यहां पर सीरीज दे सकता है आपके पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंड क्या है, आपके पास गैप कितने का है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, गैप देखेंगे, तो गैप देख के एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। बहुत बार क्या होगा, स्क्वायर के साथ प्लस माइनस वाला चलता है, स्क्वायर के साथ मल्टीपल वाला चलता है, माइनस वाला चलता है, गैप वाला चलता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि दो दो के मध्य आपका रिलेशन बनाता है, आपको उस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए इसमें अपन थोड़ा टाइम लेते हैं, स्टार्टिंग बेसिक से करते हैं, इसलिए पहला क्वेश्चन सिंपल लिया गया है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, दो का गैप, चार का गैप, छह का गैप, आठ का गैप, 41, ठीक। अच्छा इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा आपको, ताकि आप बता सके क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। दो, दस, तीस, अड़सठ और अगला नंबर, ठीक। पहले गैप देखते हैं, आठ का गैप है, फिर बीस का गैप, फिर 35 का गैप है, ठीक है।
यहां पर गैप कितने का है 12, और यहां पर गैप कितने का है, फिर आपके पास यहां पर गैप 18, ठीक है। चलो यहां पे 6 का गैप देखते हैं, तो 18 कितना है 24, ठीक है ना। तो 24, 38 और 24 प्लस कितना हुआ 62। अगला गैप कितने का होना चाहिए, 62 का होना चाहिए। तो 68 प्लस 62 की तो कितना आ रहा है 130, दिए गए ऑप्शन में दिया हुआ है। हम ये भी कर सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं, 2 है 1 का क्यूब प्लस 1, 2 आ रहा है, 2 का क्यूब प्लस 2, 10 आ रहा है, सेम 3 का क्यूब प्लस 3, 30 आ रहा है, तो 5 का क्यूब, तो हम 5 का क्यूब प्लस 5 किए तो 125 प्लस 5 कितना हो जाएगा 130 हमारा। इसको आप गैप के तरीके से भी ला सकते हैं, और आप क्यूब और स्क्वायर के माध्यम से भी आप ला सकते हैं। सबसे पहला काम क्या देखेंगे आप, गैप लेके चलेंगे ना भाई, गैप इंपॉर्टेंट है आपका। पहले में कितने का गैप है, पहले अपन गैप देखे तो 5 का गैप है, ठीक। पहले अपन गैप देखे 5 का, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का, अगला गैप 25 का होगा, तो 56 प्लस 25 कितना हो जाएगा 81, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ठीक, 3, 9, 6, 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। कभी कभार आपको ये इंटररिलेटेड भी आपको पूछ सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले गैप देखते कितने का है, ठीक, गैप देखिए 6, 12, 24, 48, मतलब 6 का टेबल चल रहा है, डबल डबल हो रहा है, तो अगली बार यहां पर गैप कितने होगा 96 का होगा, और 95 प्लस 96 करेंगे तो 191, ये हमारा आंसर। अगला बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, एकदम इजी सा है आपका। पांच, सात, नौ, ग्यारह, तो 13, 39 और 13 कितना हो जाएगा 52। अगला देखिए, सिक्स इंटू फोर इंटू फोर इंटू टू, तो इंटू फोर है, तो इस नंबर को अपन लोग क्या करेंगे, या इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे करते हैं,
पहले इसको 4 से डिवाइड किए तो 6 आया, इसको 2 से डिवाइड किए तो 9 आया, 4 से डिवाइड किए तो 9 आया, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है ना, हम इसको ऐसा भी कर सकते। वन का गैप, थ्री का गैप, वन का गैप, थ्री का गैप, फिर वन का गैप, थ्री का गैप, तो वन का गैप यहां पर क्या होगा, नाइन। ये पहला तरीका आपके पास जाए। दूसरा तरीका क्या है कि अल्टरनेट सीरीज चल रहा है, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7। ठीक है ना, दो तरीके से आपके पास आंसर आ रहा है। ध्यान से देखना यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास, ठीक है ना। सॉरी, एक कम करेंगे, नहीं सॉरी, ये एक कम कर रहे हैं ना, यहाँ पे 7 आना चाहिए, पर क्या होगा 7 होगा। ठीक है, एक माइनस कर रहे हैं, 3 प्लस कर रहे हैं, एक माइनस के 3 प्लस के, एक माइनस के 3 प्लस के, तो दो तरीके से आपके पास आंसर होगा। एक आपको क्या कर सकते हैं, इसको आप अल्टरनेट सीरीज में भी चला सकते हैं, और एक आप क्या कर सकते हैं, उसके गैप से भी आप ला सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, गैप देखते तो यहां पर क्या हो रहा है, -5 + 8 - 3 + 11। तो अगली बार अपन देखेंगे तो यहां पर -1, ठीक है, तो ऐसा अपने पास नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये जो होता है ना सीरीज, ये आपका होता है फैबियानो सीरीज। फैबियानो सीरीज मतलब यहां पर क्या होता है, 8 + 3 = 11, 3 + 11 = 14। मतलब सामने के दो नंबर को प्लस करेंगे तो अगला नंबर फॉर्म होगा। ये हो सकता है कि बहुत बार सामने के तीन नंबर को प्लस करें तो अगला नंबर फॉर्म हो सकता है, आपको ये भी कर सकता है। ठीक है ना, तो 11 तीन कितना हुआ 14, और 14 और 11 कितना हुआ 25, तो 25 और 14 कितना हो जाएगा 39। ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला, ऐसा कर लिया, 2 से डिवाइड किए तो 64, फिर 2 से डिवाइड किए तो 32, फिर 2 से डिवाइड किए तो 16, फिर 2 से डिवाइड किए तो 8। ये अपना, ठीक। तीन का गैप है, 5 का गैप है, 7 का गैप है, 9 का गैप है, फिर 11 का गैप होगा तो कितना हो जाएगा 35। ये भी हो सकता है, या 1 के स्क्वायर में से 1 गया, 2 के स्क्वायर में से 1 गया, 3 के स्क्वायर में से 1 गया, 4 के स्क्वायर में से 1 गया, 5 के स्क्वायर में से 1 गया, 6 के स्क्वायर में से 1 गया, तो 35 अपन वैसा भी ला सकते हैं। जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस फाइव थर्टीन, थर्टीन प्लस एट ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस थर्टीन थर्टी। फैबियानो सीरीज का एग्जांपल, क्लियर हुआ। तो अक्सर क्या होता है आपको यहां पर, आपको इस तरीके से आपको यहां पर सीरीज में आपको क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्या करेगा आपके पास गैप कुछ इस तरीके से रहेगा, 3 के बाद 4, ठीक है, 4 के बाद 8, ठीक,
8 के बाद 17, उसके बाद 33 और उसके बाद 58, ये आपको दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि पहले 1 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर यहां पर आपके पास गैप कितने का है, फिर यहां पर 9 का गैप है, फिर यहां पर गैप कितने का 16 का गैप है, फिर यहां पर गैप कितने का 25। तो यहां पर जो गैप चल रहा है ना, ये आपके पास क्या चल रहा है, ये आपके पास गैप जो चल रहा है वो गैप आपके पास स्क्वायर का गैप चल रहा है। हो सकता है गैप आपके पास यहां पर क्या चले, आपके पास क्यूब का गैप चले, आपको ये भी यहां पर हो सकता है। ठीक है, ये आपका ये वाला हुआ। दूसरी बार आपको यहां पर क्या कर सकता है कि 3 के बाद दिया आपके पास 5, 5 के बाद आपको दिया है 8, 8 के बाद आपको दिया है 13, 13 के बाद आपको दिया है 20, 20 के बाद आपको दिया हुआ है 31 और 31 के बाद आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ 44, ये आपको दिया हुआ। तो गैप देखें तो 2 का है, फिर 3 का है, फिर 5 का है, फिर 7 का है और यहां पर 11 का कर दिया और यहां पर किसका कर दिया, 13 का कर दिया। तो हम ये गैप देखेंगे तो ये जो गैप है ये आपको किसका है, ये आपके पास जो गैप है ना, ये आपके पास प्राइम नंबर का गैप है। तो आपको इस तरीके से और क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको गैप देखना है। गैप देख के आपको सीक्वेंस पकड़ना है कि वो मल्टीपल में चल रहा है, कोरिलेशन बन रहा है, स्क्वायर में चल रहा है, क्यूब में चल रहा है, आपको वो देखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी का जो आपको बताया था कि बीच में आपको गैप गैप करके जो आपको अल्फाबेट देगा ना आपके पास, बीच में क्या देगा आपको, बीच में क्या करेगा आपके पास गैप गैप देके आपको यहाँ पर क्या देगा, आपको अल्फाबेट देगा ना, सी ए बी बी इस तरीके से आपको देगा ना, वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जाता है, वहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आजकल नए पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे अपन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।